हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को नमस्कार और आपका स्वागत है मेरा चैनल अनअकैडमी यूट्यूब पर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था क्लास के बारे में कि क्लास कौन सी होने वाली है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है ओशनोग्राफी और उसके बाद हम करेंगे मिनरल्स, आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे या कोल के बारे में पढ़ेंगे या थोड़ा सा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जरा मैं खुद से देख लूं कि मैं ऑनलाइन आ रहा हूं या नहीं। एडवर्टाइजमेंट आने का मतलब है कि ऑनलाइन आ रहा हूं। सेकंड चीज देखनी पड़ती है कि साउंड कैसा आ रहा है। अभी तो वैसे मेरी क्लास शुरू होने में 4-5 मिनट है, तो इससे पहले मैं इक्विपमेंट को ऐड कर लेता हूं। और सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल। और दोस्तों पढ़ाई कैसे चल रही है आप सभी की? जैसे कि दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो जितने भी हम एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे, सारे के सारे जो टीम है वो छुट्टी पे जाएगी, तो क्या होता है ना, तो हमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो देनी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से सिस्टमेटिक ढंग से वो चलती रहे, जिसमें किसी तरीके का कोई भी दखलंदाजी ना हो, आराम से चलती रहेगी। आपको अपना कोचिंग करते रहोगे आराम से। तो जो टॉपिक है आज का मैंने बताया था वो है आपका ओशनोग्राफी और उसके बाद हम करेंगे मिनरल्स का टॉपिक। तो एग्जैक्टली आवाज भी सही है। दोस्तों पढ़ने पढ़ाने के तरीका शुरू करते हैं। पहले बता देता हूँ कुछ थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर टाइम लेके अनअकैडमी के बारे में। एज वी नो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, अपने घर में बैठ के आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। चाहे देखो, आप सभी को पता है COVID-19 का ये टाइम पीरियड पूरे विश्व में चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और किसी भी शहर में, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई इंस्टीट्यूट खुल नहीं रहा है, तो ऑनलाइन का जो मेथड है पढ़ाने का वो सबसे बेस्ट है। नाउ लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2021 और 2020 का मेंस, दोनों जो है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है, अनअकैडमी आपको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर कराएगा। और ये जो मेरा कोर्स है वो हिंदी ऑप्शनल के साथ साथ इंग्लिश में भी लाभदायक होगा आपको, ठीक है ना? तो दोस्तों एज वी नो अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये आपको प्रोवाइड कराएगा आपके घर से ही क्लासेस। तो अनअकैडमी आपको देगा क्या क्या? डेली लाइव क्लासेस हैं 24/7 में, जो डेली लाइव है उसको आप एक्सक्लूसिव भी देख सकते हो, ठीक है ना? और दूसरा जो फीचर्स है वो है लाइव टेस्ट और लाइव क्विज। ये जो क्यूज होगा वो एमसीक्यू फॉर्म में होता है। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल कोर्सेज है, सिस्टमेटिक ढंग से है जितने भी हैं आपके क्या बोलते हैं कोर्सेज, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे आप कोई सा भी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, तो सारे के सारे जो कोर्सेज होंगे वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पूरे होंगे। तो दोस्तों और इसके साथ में आपके पास सिर्फ एक सिंपल सा मोबाइल है, क्योंकि भारत की 2019 की स्टडी बताती है कि शहरों से ज्यादा जो नेट और मोबाइल है वो गांव में है। मोबाइल होना चाहिए और साथ में छोटा सा डेटा कार्ड, चाहे फोन आपका एंड्रॉइड हो, चाहे वो आपका आईफोन हो। आप अपने अपने एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना नंबर इंसर्ट कीजिए, ओटीपी डालो और अपनी कोचिंग की पढ़ाई शुरू कर दो। तो उसके साथ साथ आपको देता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि आप अपनी क्लास को मोर देन वन टाइम
वन टाइम, आप एक बार से ज्यादा रिव्यू देख सकते हो, अपनी क्लास को कर सकते हो, डाउट सेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, तो जो भी फैकल्टी होंगे वो आपका जो डाउट होगा या तो वो ओरली, वर्बली या फिर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जब तक कि आपको उसका आंसर पूर्ण रूप से नहीं मिलता हो। मैंने बताया था ना, आप अपने मोबाइल में जाइए, एन अकेडमी लर्निंग ऐप टाइप कीजिए गूगल प्ले पे या फिर एप्पल स्टोर पे, तो आप वहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसको डाउनलोड करो, अपना जो भी नंबर होगा 10 डिजिट का वो इंसर्ट करो, आपके पास एक OTP आएगा, वो इंसर्ट करने के बाद लॉगिन हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो जितने भी आपकी एग्जाम्स हैं ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप अपने घर से सुचारू रूप से कर सकते हो। और मुझे लग रहा है जैसे कि आज संडे है और लगभग समय हो रहा है 7:55 के आसपास का, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल अप चिल्ड अप करने चले जाते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो दोस्तों सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को। अबाउट मी, मेरा नाम है दोस्तों कृपा शंकर, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है MA इकोनॉमिक्स चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, और जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए थे वो किया था मैंने NDA 2006-07, CDS 2009-10 और UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2000 प्रीलिम्स 14 ओनली। तो ये आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछना दोस्तों। मैंने दशहरा से पहले बताया था कि UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी फीस में कुछ हाइक करेगा, कुछ बढ़ोतरी करेगा, तो उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ, और हर बार बताना ये हर एक एडुकेटर्स का धर्म है, ताकि बच्चे को किसी भी डाउट में फीस से संबंधित कोई डाउट ना रह जाए। तो अनअकैडमी पे आप तैयारी कर सकते हैं, जो वेरी प्रोफेशनल टीचर हैं, एडुकेटर्स हैं, आप उनके साथ तैयारी कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, मेरा नाम है कृपा शंकर, है ना, और मैं पढ़ाता हूँ आपको ज्योग्राफी। तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डोंट फॉरगेट प्रेस आई बेल आइकन ऑन YouTube, और मेरा जो कोर्स है वो अलग अलग ड्यूरेशन होती है, 1 मंथ से लेके 12 मंथ, 12 मंथ से लेके 24 मंथ, तो सबका जो फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि 1 मंथ को छोड़कर अगर आप कोई सा भी कोर्स मोड चुनते हैं, चाहे 3 महीने का लो, 24 मंथ का लो, अगर आप उसमें मेरा कोड ये अंकित करते हैं KRIPA न्यूमेरिक में 1, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसको आप भूलना मत इंसर्ट करना, ये मैं मार्किंग कर किए दे रहा हूँ। तो ये शायद मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा होगा, तो जो कोड है मेरा वो है KRIPA न्यूमेरिक में 1। हाँ, मैं इसको ये लिख देता हूँ, ये देखो। और माय डियर फ्रेंड, जो फीस स्ट्रक्चर है अनअकैडमी का कुछ इस तरीके से है, 1 मंथ की फीस जो है वो 9000 है, जो पहले आपकी 8000 रुपए हुआ करती थी, है ना। मैंने बताया था सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, या जो कोर्स लेना हो ले सकते हो, फ्री देखना हो फ्री देख सकते हो, फीस में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बाद जो 12 महीने की फीस है वो है 49,500 रुपए, तो प्रारूप समझिए, इसमें 54 रुपए का डिस्काउंट पहले से ही इन्वॉल्व है। और जैसे ही आप ये मेरा कोड डालेंगे KRIPA1 करके, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट और दिया जाएगा, यानी कि 4,950 रुपए का डिडक्शन आपको और मिल जाएगा। वैसे भी कोई 1 रुपए का डिडक्शन ना करे दोस्तों, 4,000 रुपए, लगभग 5,000 रुपए का डिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो आपकी इसमें बहुत ही फायदा होने वाला है। और फीस स्ट्रक्चर सेम है, देखो ऑप्शनल के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए 12 महीने का जो है 24,750, देख लो, नो कॉस्ट EMI, ये आपकी जो PDF है मिलती रहेगी, या जैसे आप इसको लॉगिन करते हो या मुझे सब्सक्राइब करोगे तो सारे के सारे स्लाइड्स आपके सामने ये खुल जाएंगी। अब उसके अलावा जो आज का टॉपिक है, शुरू करते हैं, तो कल जो मैंने पढ़ाया था वो था क्लाइमेट, भारत का जो क्लाइमेट है, थोड़ा उसके बारे में फिर से मैं एक रिफ्रेश कर देता हूँ। कोई है स्टूडेंट, अगर कोई जुड़ा है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, बहुत स्लो
तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेट्स चेक। क्लाइमेट जो है भारत का, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है मानसून वाली प्रक्रिया है, और मानसून की जो थ्योरी थी, कुछ न्यू थ्योरी है और कुछ ओल्ड थ्योरी है जो मैंने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी। उसके अलावा न्यू थ्योरी, अगर कोई थ्योरी बन रही है मानसून की, तो उसके कौन कौन से प्रभावी कारक हैं वो बताया था। और जो हमारी क्लाइमेट है 10 टाइप्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4 करके, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड, ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो ये टोटल मिला के 10 टाइप्स की क्लाइमेट्स है, कल चर्चा करी थी। और इन क्लाइमेट का जो फैलाव है भारत में किसके क्षेत्र में है, ये भी कल चर्चा करी थी। और कल मैंने पढ़ाया था सूखा, सूखा मतलब ड्रॉट, और ड्रॉट के बाद मैंने बताया था आपको ड्रॉट मैनेजमेंट। हालांकि फ्लड का टॉपिक इसमें छूट रहा है, वो छूटा नहीं, वो मैंने रिवर्स वाले टॉपिक में कवर करा दिया था, तो क्यों बार बार समय खराब करना। जो आज का है आपका टॉपिक है ओशनोग्राफी, समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जैसे स्थल मंडल को हम पढ़ते हैं, वैसे ही हम जल मंडल को पढ़ेंगे। तो थोड़ा जो समुद्री विज्ञान है वो जल मंडल से संबंधित है कि समुद्र के अंदर का जीवन कैसे होता। सभी को पता है पृथ्वी पर लगभग 71.25% पानी है लैंड की कंपैरिजन में, जो आपका समुद्र के फॉर्म में भी मिलेगा, ग्लेशियटिक फॉर्म में मिलेगा, रिवर्स के फॉर्म में मिलेगा। ये सब समझने वाली बात जो है वो 8th स्टैंडर्ड की है, लेकिन आज का जो टॉपिक है बिल्कुल नया है, ओशनोग्राफी यानी कि समुद्री विज्ञान। बेसिकली समुद्री विज्ञान है क्या, जैसे कि देखो हम भौतिक की बात करेंगे तो जिसमें हम भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम केमिकल की बात पढ़ेंगे वो केमिकल का विज्ञान हो जाएगा, जिसमें हम जीवों की बात पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान हो जाएगा, है ना, बायोलॉजी। पेड़ पौधों की बात पढ़ेंगे तो वो आपका जो है जूलॉजी वाला विज्ञान हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब हम क्या बोलते हैं ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बोलेगा ओशनग्राफी या ओशन साइंस या स्टडी ऑफ द ओशियन, कुछ भी बोल सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से बात समझने की। ओशनग्राफी जो है, जो ये आपका समुद्र है ना, कोई भी ओशन समझ लो, कोई भी ओशियन, इसके जितने भी फीचर्स होंगे, जैसे कि बायोलॉजिकल फीचर्स हो गए, केमिकल फीचर्स हो गए, उसके अलावा फिजिकल फीचर हो गए कि उसकी बनावट कैसी है, बाहर से गर्म है, ठंडा है, पानी का प्रवाह किस क्षेत्र को है, जो ये 3 टाइप की चीजें होंगी आपकी, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये आपकी तीनों की स्टडी मिला के जो भी होगा वो कहलाएगा ओशनोग्राफी, ठीक है ना। बेसिकली ओशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ओशियन। और इसके अलावा जो समुद्र का अपना इतिहास होगा, जो इसका हिस्ट्री होगा, इट क्रिएट इन दिस इरा फीचर्स, और जो करंट कंडीशन इसकी कैसी है और इसमें परिवर्तन क्या क्या हुए वर्तमान क्षेत्र में या वर्तमान समय में, ये सब का जो प्रभाव है या इससे होने वाले जो प्रभाव होंगे, तो वो आपका पूरा का पूरा कहलाएगा ओशनोग्राफी यानी कि समुद्री विज्ञान। बेसिकली स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ओशन इज नोन एज ओशनोग्राफी। पृथ्वी समुद्र की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना की का तुलनात्मक अध्ययन या इसकी अध्ययन करना समुद्री विज्ञान कहलाता है। अब जो ओशनोग्राफी है, बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू 4th पार्ट, 1, 2, 3, 4। फिजिकल ओशनोग्राफी, इसको हम बोलते हैं भौतिक समुद्र विज्ञान, है ना, ज्योग्राफी का हिस्सा होता दोस्तों सब सारा। केमिकल है रासायनिक समुद्री विज्ञान,
नंबर नेक्स्ट है थर्ड में मरीन जियोलॉजी। मरीन का मतलब एक तरीके से समुद्र के फॉर्म में भी होता है। और मरीन इकोलॉजी यानी कि समुद्र के अंदर का जो जलीय जीव है, जलीय जीवन है, उसके बारे में हम कोई अध्ययन कर रहे हैं तो वो सब आपका समुद्र अध्ययन कर रहे हैं तो वो सारा का सारा आपका ओशनोग्राफी का फॉर्मेशन में है। अब जो फॉर्मेशन है चार टाइप में है, नंबर फर्स्ट फिजिकल, नंबर टू केमिकल, नंबर थ्री मरीन इकोलॉजी और मरीन जियोलॉजी। अब इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो चित्र के साथ समझेंगे। पहले पहले हम जैसे कि एक आप पिक्चराइज दिख रहा होगा साफ, मैं एक बार फोन की स्क्रीन पे देख लूं कि ये साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा ना। एक सेकंड, गेट खुलने की आवाज ना क्लियर सुनाई दे रही है, इसमें लाओ चाय देता हूं। चलो शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि ये देखो, ये तो आपका जो ब्राउन ब्राउन टाइप का एरिया है, इट इज नोन एज लैंड, जिसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। दीपक राज, हेलो सर। दोस्त अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ये जो आपका ब्राउन ब्राउन सा एरिया पूरा स्थल है, लैंड है दोस्त। आज जो पढ़ रहे हैं हम वो है समुद्री विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओशनोलॉजी, OCENOLOGY, ओशनोलॉजी। है ना, अब जितना ही ब्राउन ब्राउन एरिया है इसको बोलते हैं स्थल मंडल। अब ये जो ब्लू कलर का है ये है बिल्कुल पानी, ठीक है ना, जितनी फॉर्मेशन है। अब जो इसकी लेयर्स हैं इसके बारे में ठीक से देखेंगे। देखो जब पानी आपके घर में कोई बर्तन हो बड़ा सा, उसको भरो और जहां धूप हो उसे वहां रख दो, ठीक से रख दो वहां पे, तो पानी क्या होगा, जितना आपने 2 लीटर का सपोज कर रखा है तो वो कुछ ना कुछ कम जोर हो जाएगा, 1.99, 1.98 इस टाइप से जो कोई फॉर्मेशन है। तो बाकी का पानी कहाँ गया, वो उसका मॉइस्चर बन के वाष्पोत्सर्जन हो गया, हिंदी में बोलते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन, यानी कि भाप बन के वो आसमान में उड़ गया। अब देखो इसको, ये जो लेयर है इसकी, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ये दिखा रखी है व्हाइट व्हाइट कलर की, जो हमारे ग्लेशियटिक फॉर्म होती है, यानी कि ग्लेशियर है या किसी टाइप से जो हमारी जमी हुई बर्फ है, स्नो। और ये जो है ये आइस शेल्फ की चर्चा की गई है। आइस शेल्फ का मतलब ये होता है कि बर्फ का वो हिस्सा जो पानी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है या वो पानी की तरफ मेल्ट हो रहा है। अब ये जो है देखो आप, वेस्टलरीज, एस्टरीज, ये वो चीज है जो नदियों के गिरने के मुहाने होते हैं। अब जब पानी यहाँ पे आके इस फॉर्मेशन में मिलेगा समुद्र के पानी में आके, तो ये क्या होगा, इसका सी लेवल बढ़ेगा ना धीरे धीरे करके, और सी लेवल बढ़ेगा तो इसका जो सूरज से हीट मिलेगी ये गर्म होके ऊपर को उठेगी, जब ये ऊपर को उठेगी तो उसको बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी का भाप में बदलने की प्रक्रिया। When water change into moisture और steam, it is known as वाष्पोत्सर्जन हिंदी में, ठीक है ना। अब ये जो है, जो इसमें मैंने एलिमेंट दिखाए गए हैं डीप वाटर्स, डीप वाटर्स का मतलब है जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो चेंज होंगी। और उसके बाद इंटरमीडिएट वाटर्स यानी कि जो अपर लेयर होगी और जो सबसे गहरी लेयर होगी, उन दोनों के बीच की जो वाटर बॉडी है वो कहलाएगी आपकी इंटरमीडिएट वाटर्स। अब इसके अलावा जो डीप मिक्स लेयर है, डीप मिक्स लेयर का मतलब होता है कि जो ये लेयर है पानी की, डीप मिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो तापमान होगा वो थोड़ा सा सपोज करो ये होगा आपका 20 डिग्री, और जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे धीरे धीरे तो जो पानी पे ठंडकपन होगी वो भी कम हो जाएगा, यानी कोल्डनेस ऑफ द वाटर विल बी रिड्यूस्ड, यहाँ 19 हो जाएगा, नीचे 18 डिग्री, नीचे 17 डिग्री,
ये इस टाइप से जो है डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वो घटता जाएगा। जैसे हम डीप वाटर में जाएंगे पानी उतना ही ठंडा होने की संभावना ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे समुद्र के ऊपरी सतह की और मरियाना ट्रेंच की गहराई के पानी की, तो दोनों में जो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, डेल्टा मतलब होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, है ना। अब जितने भी इसमें आपको कॉस्मिक चीजें दिखाई दे रही हैं, देखो डेंस वाटर प्रोडक्शन का मतलब ये होता है जो एक वाटर बॉडी बहुत सिकुड़ी हुई हो, नैरो हो, और वहां पे पानी के ठहरने की संभावना सबसे अधिक हो, ठहरने की संभावना, तो वो आपका डेंस वाटर प्रोडक्शन कहलाएगा, सॉरी डेंस वाटर प्रोडक्शन कहलाएगा। और जब पानी या वाटर बॉडी कोई समुद्र की ओर चलती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ वेस्टेज लेके चलेगी ना, और जब वेस्टेज लेके चलेगी तो वहां पे क्या होगा, कार्बन रिलीज भी बनेगा। यानी कि बहुत सारे प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि जो जल में घुलनशील होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जल में घुलनशील नहीं होंगे। तो उसको वाटर बॉडी कैसे रिलीज करेगी, और भौतिक संरचना में यानी कि समुद्र के भौतिक संरचना में परिवर्तन कैसे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो आपने पिक्चराइज में देखा है, पानी का आना, एशरी का डलना, वेटलैंड्स का बनना, डीप वाटर्स, इंटरमीडिएट वाटर्स, डीप मिक्स वाटर, इसके बारे में जो पूरी की पूरी संरचना है वो टोटल मिला के ये कहती है, भौतिक समुद्र शास्त्र समुद्र के भीतर की भौतिक स्थिति और भौतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि जितनी भी ये दो चीजें हैं फिजिकल ऑशनोग्राफी में, एक तो है आपकी फिजिकल कंडीशन एंड फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल कंडीशन, और दूसरा है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। इसके अलावा कोई सी तीसरी चीज नहीं है आपकी जो ऑशनोग्राफी के फिजिकल मोमेंट की तरफ को स्टडी करती हो। काफी है दो चीजें कि फिजिकल कंडीशन कैसी है, फिजिकल प्रोसेस कैसी है, जो जल में घुलनशील पदार्थ है या अघुलनशील है वो कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं या एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। फिजिकल ऑशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल कंडीशन, जो मैंने बताया आपको, फिजिकल कंडीशन एंड फिजिकल प्रोसेस विद इन ओशियन, यानी कि समुद्र के अंदर जो संरचनाओं में परिवर्तन हो रहा है फिजिकल रूप से, एंड इट इज द मोशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओशन वाटर्स, यानी कि जो हमारा ये समुद्र है, समुद्र के पानी की जो मूवमेंट है वो किस साइड को, ये हमारी फिजिकल कंडीशन को शो करती है। अब जितने भी हमारे ये फिजिकल ओशनोग्राफी के फीचर्स होंगे वो सेम वही होंगे जो ओशनोग्राफी से रिलेटेड होंगे, नंबर 1, 2, 3 करके, जैसे कि बायोलॉजिकल, और दूसरा होगा आपका केमिकल, और तीसरा होगा इसमें फिजिकल। और फिजिकल ओशनोग्राफी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल ना करके इसको हम जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी का नाम दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि सब पार्ट जाके बनेगा ना, जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी। गेट इट माई पॉइंट। फिजिकल समुद्र विज्ञान उस स्टडी को कहा जाता है जिसमें समुद्र के भीतर की भौतिक स्थिति और भौतिक प्रक्रियाओं की हम अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से समुद्र के पानी की गति, है ना, कि पानी की मूवमेंट हमें किस चीज से मिल रही है। बेसिकली फिजिकल ओशनोग्राफी इज वन ऑफ द सेवरल सब डोमेन इनटू व्हिच ओशनोग्राफी व्हिच इज डिवाइडेड इनटू इनटू फिजिकल कंडीशन एंड फिजिकल प्रोसेस एंड अदर एलिमेंट्स आर इंक्लूड्स एज बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स एंड जियोलॉजिकल एलिमेंट्स। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था चार फॉर्मेशन है, फिजिकल फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है, तो दूसरी है आपकी केमिकल ऑशनोग्राफी। देखो केमिकल ऑशनोग्राफी बेसिकली है क्या, देखो ये आपका एक समुद्र का फॉर्मेशन है जो पिक्चराइज मैंने दिखाया गया है, इसको बाद में देखेंगे बड़े वाले पिक्चर को। तो यहाँ पे ये जो किसी तरीके का जो पानी दो कलर का मिल रहा है ना, इधर का ये आपका येलो है, इधर का आपका ब्लू है, तो ये जो दो वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली इसका जो पानी का कलर येलो हुआ है ना, इसमें कोई प्रोडक्ट, कोई केमिकल ऐसा मिला है जिससे पानी का कलर चेंज हो गया है। वैसे तो ये जो फोटो है वो समुद्र की, जहाँ पे दो समुद्र मिलते हैं, कौन कौन से, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन,
लेकिन समझने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी केमिकल एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, कुछ ऐसी केमिकल एक्टिविटी है जिससे पानी यहाँ का कलर चेंज हुआ है, या इसको देखेंगे पानी का कलर चेंज होता है क्यों है वैसे समुद्र के पानी में। तो दो कंडीशन है, देखो जो चीज इसमें पानी में आएगी उसके निकलने का प्रोसेस भी तो होगा कुछ ना कुछ। सेम ऐसी चीज जो केमिकल अबायोटिक बायोटिक प्रोडक्ट्स होंगे पानी में आएंगे तो जो बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट बन के निकलेंगे ना, या न्यू मटेरियल बन के निकलेंगे। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, देखो ये इक्वेटर वाला मोड है, तो इक्वेटर जो है वो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इस चीज को आप बेसिकली समझ लो। और इसके अलावा ये जो है हमारा, इसे नॉर्थ पोल समझ लो या साउथ पोल समझ लो, कुछ भी समझ लो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है इसे बोला जाता है नॉर्थ साउथ पोल, पिक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और इसको बोला जाएगा आपका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो दोस्तों इसमें जो ये क्या बोलते हैं, ये पिक्चराइजेशन है ये मूवमेंट का, इसका मतलब ये है इसमें से जो भी आपका केमिकल समुद्र में आया है, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो या वो आपका मरीन एक्टिविटी की वजह से हो, और थर्ड आपका नेचुरल एक्टिविटी की वजह से हो, क्योंकि कोई ज्वालामुखी फूट गया हो उससे निकलने वाले जो केमिकल हो, ठीक है ना, ह्यूमन मेड, मरीन मेड एंड नेचुरल मेड। तो उसमें जो ये मिश्रण होगा पानी में तो वो क्या होगा, समुद्र की गहराई तक भी जाएगा ना, कौन से आया है पानी तो धीरे धीरे वो गहराई की तरफ जाएगा, जैसे स्लोप होगा। सेम इसी तरीके से ये जो प्रोसीजर है, ये कुछ ही अबायोटिक तत्व इधर आए हैं या बायोटिक, तो वो उनका जो मूवमेंट होगा वो भी डीप वाटर की तरफ को होगा या डीप वाटर की तरफ को वो जाएगा। और इस पिक्चराइज को मैं ऐसे दिखा दूं आपको, मतलब कि ये जो साउथ पोल है ये ऊपर कर दूं, नॉर्थ पोल नीचे कर दूं, या पिक्चराइज को मैं इस टाइप से कर दूं, साउथ ऊपर, सॉरी नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, ये बन गया आपका पूरा पृथ्वी, ये आपका जीरो डिग्री हो गया। तो जितने भी इसमें केमिकल अबायोटिक और बायोटिक फॉर्मेशन में आएंगे तो वो पानी की संरचना में परिवर्तन करेंगे। तो जो समुद्र का जलीय जीव होगा ये उसको प्रभावित करेंगे ना। केमिकल ओशनोग्राफी इज ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, देखो मेटामॉर्फोसिस दैट केमिकल्स विद इन ओशियन, जिस प्रकार से समुद्र में केमिकल आ जाते हैं। तो इट विल इफेक्ट टू लिविंग मरीन ऑर्गेनिज्म, जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जीव या जंतु, ये उनको प्रभावित करता है। और इसके अलावा जो ओशन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, कुछ प्राकृतिक होगा कुछ मानव निर्मित होगा, जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एंड ह्यूमन मेड दो ही चीजें होंगी ना, तो उससे क्या होगा, केमिकल अबायोटिक तत्व प्रभावित होंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक। दो ही चीजें तो है ना, या तो ह्यूमन मेड है या फिर नेचुरल। अब इससे क्या है, रासायनिक समुद्र शास्त्र से जो अध्ययन किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि महासागर में अगर कोई रसायन की वजह से समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है तो उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो आपका केमिकल ओशनोग्राफी। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, ये कोई जो है ये आपका ओशियन है, समुद्र है, ठीक है ना, पानी पानी है इसमें। अब सपोज करो इसमें कोई ये शिप चल रहा है ना, ये शिप चल रहा है और शिप में क्या था आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या था, किसी वजह से जहाज जो है वो डूबना शुरू हो गया या टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो इसका जो तेल है क्रूड ऑयल वो यहां से रिसना शुरू हो गया। अब जो उसमें 1000 गैलन ऑफ लीटर पानी होगा या तेल होगा वो समुद्र में पानी में मिलेगा ना, और समुद्र के पानी में मिलेगा आपको पता है जो तेल होता है पानी से हल्का होता है, तो जो अपर लेयर रहेगी वो ऑयल की रहेगी और नीचे जो लेयर रहेगी वो वाटर की रहेगी। तो ये क्या होगा, पानी की अपर लेयर में ऑक्सीजन को कम कर देगा, और जैसे कि सभी को पता है कि ऑक्सीजन
की जरूरत, जितने भी आपके लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, तो सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन को कम करेगा जो समुद्री जीव जंतु है उनका खतरा, जीवन का खतरा बढ़ जाता है। तो उसकी जो स्टडी है के एग्जांपल के तौर पर समझा है वो आपकी केमिकल ओशनोग्राफी के अंतर्गत आती है। अब जो दूसरा है मरीन जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी आपका किस पार्ट पे डिपेंड करता है, मरीन एक तरीके समुद्र को भी बोलते हैं। देखेंगे समुद्री भूविज्ञान, मरीन इकोलॉजी की जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये आपका ओशियन है, कोई सा भी ओशियन समझ लो, एबीसी। अब इसकी जो अंदर लैंड है, जो रॉक्स हैं, उसकी स्टडी जो है बेसिकली आपकी मरीन जियोलॉजी में की जाएगी। और समुद्र के बाहर जो इसकी कोस्टल लाइन है, कोस्टल एरियाज हैं, उसकी जो स्टडी है वो भी आपकी मरीन इकोलॉजी में आएगी, मरीन जियोलॉजी में, सॉरी। तो आप इसको ठीक से याद रखना। अब इसमें लैंड के फॉर्मेशन में जो है आपके क्या मिलने वाले हैं, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वो होगा आपका फॉसिल। फॉसिल आपका दो फॉर्मेशन में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं जीवाश्म। फॉसिल आपको दो फॉर्मेशन में मिलेगा, तो नंबर वन फॉर्मेशन होगी वो होगी लैंड फॉर्म, लैंड एंड रॉक्स। और जो दूसरी फॉर्मेशन है वो में मिलेगी आपकी क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज में। है ना, जीवाश्म जो है वो एक चट्टान के रूप में भी मिल सकते हैं, मिट्टी के रूप में मिल सकते हैं, पेड़ पौधों के रूप में भी मिल सकते हैं। बेसिकली मरीन जियोलॉजी और जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी इज कॉल्ड द हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर। याद रखना ओशन फ्लोर से आपको याद रहेगा, क्योंकि जहां जहां पे पानी है और वहां पे कोई फॉसिल मिल रहा है तो वो एक तरीके से फ्लैट बनेगा ना, एक उसका सरफेस बनाएगा, और सरफेस की स्टडी करना क्या बनाएगा आपका, वो कहलाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। कोई डाउट हो तो दोस्तों पूछते रहना, मैं थोड़ा देख लूं दोस्तों को, इफ एनी डाउट। प्लीज आस्क। जो समुद्री भूविज्ञान है तो वो क्या है, समुद्र के तल, यानी कि उसके जो तल में जो मिट्टी है वो कितनी पुरानी है, या वो किस युग का बना हुआ है, किस फॉर्मेशन में बना हुआ है, उसके जितने भी स्टडी है वो कहलाएगी आपकी मरीन जियोलॉजी। लगता है इक्का दुक्का ही स्टूडेंट है। कंटिन्यू करते हैं। आई होप जो मेरे दोस्त हैं एकेडमी की टीम, अगर मैं चाय पी रहा हूं तो उनको शायद बुरा ना लगे, चाय का मन करता है कभी कभी। हाँ दोस्तों, ये देखो मरीन जियोलॉजी की बात बता रहा था मैं। ये आपका जो ब्लू ब्लू कलर में यहाँ पे पूरा है, ये वाटर है, ओशन वाटर। और ये जो है इसका तल, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है पूरा, ये आपका ओशन लैंड है। ओशन लैंड है यानी कि समुद्री के अंदर की भूमि है। इसके बारे में ये जो गोताखोर है ये नमूने एकत्र कर रहा है स्टडी के लिए, है ना। और नमूने एकत्र करके जो छोटा छोटा देखेंगे आप, ये इस फॉर्मेशन में ये बाहर आएगा। अब जब ये बाहर जो भी मटेरियल लेके आएगा, चाहे वो रॉक्स हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो फॉसिल के फॉर्म में हो, तो उसकी स्टडी करी जाएगी। तो यही आपका क्या कहलाएगा, मरीन ओशनोलॉजी, MARINE ओशनोलॉजी। समुद्र के अंदर गए, नमूने कलेक्ट करे, बाहर ले आए, तो क्या कहलाएंगे आपके, मरीन ओशनोलॉजी। अब ये जो दूसरा टॉपिक है वो है मरीन इकोसिस्टम।
पहले इकोसिस्टम समझेंगे कि इकोसिस्टम है क्या। जगदीश जैना प्लीज डोंट माइंड सर, वी आर बिजी विद अदर सब्जेक्ट्स एज योर विश दोस्त। ये जो है आपका, ये पूरा पानी है, समुद्र है और इसके अलावा जो इसमें जितने भी क्रिएचर हैं, लिविंग क्रिएचर या समुद्री जीव, वैसे तो पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सबकी स्टडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट की बात की जा रही है 91.27%, लेकिन अभी तक मनुष्य ने समुद्र के अंदर के जीवन को लगभग 8% ही जाना है, 8% ही जाना है। तो जितने भी 8% में जीवन में एक लाइव क्रिएचर है, समुद्री जीव है, फिशेज हैं और जितनी भी चीजें भी आपको दिख रही हैं आंखों से या लेंस के थ्रू, उन सब की स्टडी आपकी जो कहलाएगी वो कहलाएगा आपका मरीन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है हमारा, ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पे कुछ आपके जानवर हैं, क्या बोलते हैं एनिमल, बर्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो यही तो आपका, इसको बोल देते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता। अब जो समुद्र के अंदर ये फॉर्मेशन मिलेगी आपको, फिशेस हो, मछलियां, स्नेक हो, लीव्स हो एंड सोयल, फॉसिल और डिफरेंट क्रिएचर्स के नाम तक नहीं जानते हम, तो ये आपकी मरीन इकोसिस्टम है, यानी कि समुद्र का इकोसिस्टम है। मरीन मतलब ओशियन। मरीन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ एक्वाटिक इकोसिस्टम। मैंने बताया था ना आपसे कि जितना है हम 91.27 अर्थ के बारे में जानते हैं, लेकिन हम ओशन के बारे में लगभग केवल 8% ही जानते हैं। तो कौन सा बड़ा चीज है हमारे पास, ओशन के बारे में हमारे पास कम नॉलेज है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है। एंड ओशन के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये जो फॉर्मेशन है ये क्रिएचर्स की डिपेंड करती है साल्टिनेस पे। साल्टिनेस जिसको हम बोलते हैं लवणता, और जगदीश जी प्लीज डोंट माइंड सर, वी आर बिजी विद अदर सब्जेक्ट्स, बाद में देखेंगे, थैंक यू प्रीशियस कमेंट के लिए। जो लवणता है ये भी निर्धारित करती है कि मरीन इकोसिस्टम कैसा होगा, उसमें किस टाइप के जीव मिल रहे हैं। जैसे कि मैं बात आपसे बताना चाहूँ, जैसे कि आपका वो है, क्या बोलते हैं हम, डेड सी, उसमें कोई क्रिएचर है ही नहीं, किसी में लवणता अधिक है तो उसमें मछलियाँ नहीं मिलेंगी, और किसी का जो रहने लायक है जैसे कि इंडियन ओशन है, अरेबियन ओशन है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, तो इसमें सभी अलग अलग टाइप के क्रिएचर मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन की, या किसी भी ओशन की सबसे गहरी गर्त है ट्रेंच, कहाँ पे, मरियाना जो आपकी फिलीपींस कंट्री के आसपास ये है। तो दोस्तों आप उसको ठीक से देखना, मतलब उसके बारे में पढ़ना, तो उसमें कुछ ऐसे क्रिएचर मिलने की संभावना जताई जाती है समुद्र वैज्ञानिक द्वारा, जो क्या बोलते हैं ट्रियासरी युग के हैं या फिर वो आर्कियन ईरा के हैं। आर्कियन ईरा के तो खैर अभी फॉर्मेशन में फॉसिल मिलता नहीं है, आर्कियन के बाद जैसे कि जुरासिक के हैं, सिल्यूरियन के हैं, ट्रियाश्री है, ये सारे के सारे फॉर्मेशन के आपको मिलते हैं। आपने को हॉलीवुड की मूवी देखे तो देखी होगी ना, एम्लेगेडन, ऐसी जिसमें बड़ी सी शार्क होती है ना, तो वो जो फॉर्मेशन का जीव है कहते हैं कि वो आज भी मरियाना ट्रेंच के आसपास के एरिया में दिखाई देता है स्टडी के अनुसार, पता नहीं मिथ है। सेकेंडली अभी आपने देखा होगा मेघालय जो भारत का एरिया है, और मेघालय आपको पता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, इस टाइप से यहाँ पे कहीं, और ये जो है बैंडेड हिमालय है, डूबता हुआ हिमालय, तो जिसे अंडमान निकोबार के ग्रुप समूह यहाँ पे बनते हैं। तो इस गुफा में, मेघालय की गुफा है, मुझे नाम अभी उसका याद नहीं आ रहा,
वहां पे 60 फीट का एक क्रिएचर मिला है जो आज की शार्क से भी खतरनाक है, और उसका जो मुंह का साइज है खुलने का वो 32 फीट बताया गया है, और उसका जो ये फॉसिल है वो वैज्ञानिकों ने निकाला है और कहा है ये ट्रियाश्री युग से पहले जो प्री कैम्ब्रियन इरा था, प्री कैम्ब्रियन जब मतलब कैम्ब्रियन के बाद का जो इरा था, जब रीढ़ विहीन से रीढ़ में मनुष्य मतलब कि जीव जंतु बन गए थे, मनुष्य मैंने गलत कहा, उसके भी लगभग 560 मिलियन वर्ष बाद जो जीव हमारे बने थे विशालकाय जीव, तो वो उसी के समय का है। मैं ये देख रहा हूँ स्पीड नेट की सही चलनी चाहिए ताकि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती रहे। हाँ ठीक से देखेंगे इस पिक्चर को, मरीन इकोसिस्टम के बारे में इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप इसको समझ लेंगे। पता नहीं ये ब्लर तो नहीं हो जाएगा, चलो लेट्स ये देखो मरीन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको आपको समझा दूंगा। ये देखो इकोसिस्टम में है क्या क्या, ये टाइप की मछली है, यहाँ पे शिप चल रहा है, यहाँ पे फिर से फिशेज हैं, ये डिफरेंट टाइप फिशेज हैं, ये कुछ मूंगा है, ये क्रैप है, ये जो जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये लाइकेन है, ये ग्रासेस है, ये अलग अलग टाइप के जो क्रिएचर है, ये आपका कहलाएगा मरीन इकोसिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे लाइव क्रिएचर साथ रह रहे हों, ज्यादा बेनिफिशियल समझो इस चीज को। जैसे आपका अगर हम किसी लैंड पे रह रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका बायोडायवर्सिटी, और ओशन में है तो क्या कहलाएगा मरीन इकोसिस्टम। बायोडायवर्सिटी को हम इकोसिस्टम भी बोल देते हैं, कंफ्यूज होने में इसकी कोई रियायत मत समझना। अब इसके अलावा जो ओशनोग्राफी में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फिजिकल ओशनोग्राफी में जो देखा जाएगा समुद्र की लहरों की या समुद्र की जो पानी है उसकी गति किस साइड को है, उसका मूवमेंट किस साइड को है, तो जो है ओशन करंट बोलते हैं उसको। अब जो ओशन करंट है समुद्री जलधाराएं, जलधाराएं देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका ओशन करंट पिक्चर पे बाद में चलेंगे। ग्लोब है, पृथ्वी है, है ना। अब जब पृथ्वी है एज वी नो ये जो एरिया है आपका ये 0 डिग्री पे क्या कहलाता है, इक्वेटर, और ये है आपका नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। सभी को पता है नॉर्थ पोल लाइज ऑन 66.5 डिग्री और साउथ पोल स्टार्टिंग फ्रॉम 66.5 डिग्री साउथ। साउथ यहाँ पे मैं जरा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। बेसिकली ओशन करंट है क्या, समुद्र की वे जलधाराएं जो साल भर एक दिशा में तथा कुछ जलधाराएं हर 6 मंथ में अपनी दिशा को बदलते हुए एक दिशा में प्रवाहित होती है, समुद्री जलधारा। ओशन करंट टॉपिक यही तो है फिजिकल ज्योग्राफी में, नेक्स्ट है ना। अब देखेंगे ये पूरा आपका ग्लोब है, ये पृथ्वी है, आपको पता लैंड कितना है और वाटर कितना है। अब टोटल तो 100 होगा ना, और 71.2 आपका पानी है, तो लैंड कितना बचा और नौ में से क्या, नौ में से सात के तो 28, लगभग 28% के पास हमारे पास लैंड है और 71% के पास हमारे पास पूरी पृथ्वी पर पानी है। और जो पानी की जो फॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेशन में है, रिवर के फॉर्मेशन में है। दूसरा हमारा ये जो रिवर्स क्या
जो सब टॉपिक मिलेगा इसमें, कैनाल है, पोंड है, ये तो अलग से बात है, ये इतनी बात कर रहे हैं हम। वाटर जो फॉर्मेशन है रिवर के फॉर्म में है, ओशंस के फॉर्मेशन में है, ओशन में जाएंगे तो गल्फ गल्फ भी बोलेंगे और झील भी बोल देंगे, जैसे पैकाल लेक। और थर्ड फॉर्मेशन है आपका ग्लेशियर, ठीक है ना। लेकिन जो पीने लायक पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में, वो लगभग दुनिया का क्या बोलते हैं 8% ही है। अब ये मोटा मोटा डेटा बता रहा हूं मैं आपको। जो समुद्री जल धारा है वो वर्ष भर या तो एक डायरेक्शन में बहेगी इस टाइप से, या कुछ मंथ बाद, 6 मंथ बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी इस चीज से। अब देखेंगे आप इसको, जो आपका ये पोल एरिया है, जो ध्रुव है, ये इस पे क्या है, ये स्नो है ना, इस पे ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसमें भी बर्फ है। और जब इसमें बर्फ है तो पानी कैसा होगा यहाँ पे, या बर्फ कैसी होगी, वो होगी कोल्ड। कोल्ड समझ रहे हो ना। अब जब कोई कोल्ड से पानी की जल धारा ठंडे पानी से निकल के आ रही है, ठंडे की तरफ से जा रही निकल के, तो वो कैसी होगी, कोल्ड ओशन करंट है ना। तो ये भी कैसी होगी आपकी, कोल्ड ओशन करंट। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे ध्रुवों का एरिया है वो थोड़ा सा संकुचित है, थोड़ा सा छोटा है, सेम ए नंबर बी नंबर। तो यानी कि जो सन रेज हैं वो यहाँ पे कम प्रभाव डाल रही हैं, तो पानी को कम गर्म करेंगी। अब आप देखेंगे ये जो वाइड एरिया है इक्वेटर का, ऐसे करके ऐसे घुमा के ऐसे करके, रुक जाओ जी मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो आपका इक्वेटर का एरिया है 0 डिग्री पे इस टाइप से, तो ये दोस्त इसमें समझने वाली बात ये है, ये बहुत ज्यादा वाइड एरिया है इन दोनों की कंपैरिजन में। तो जो यहाँ पे सन रेज होगा वो क्या होगा, वो स्लैंटिंग होगा, यानी कि तिरछा भी पड़ेगा और डायरेक्ट भी होगा। तो जो पानी में ये हीट देगा इसकी कंपैरिजन में, यानी कि पोल की कंपैरिजन में, इक्वेटर पे ज्यादा पड़ेगा। तो यहां से जो पानी की जलधाराएं निकलेंगी समुद्र की, और ये पोल की तरफ जाएंगी, पोल की तरफ जा रही हैं, तो ये कैसा होगा, वार्म मोशन करंट। कैसा होगा, वार्म मोशन करंट। ओशन करंट को मैं शॉर्ट में ओसी लिख देता हूँ, ठीक। ये वाला इक्वेटर से पोल की साइड को जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, वार्म ओशन करंट। एक स्लाइड ले लेता हूँ नई वाली, उसमें आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखना इसको फिर। तो उसके बाद हम जो नया टॉपिक है उसके नाम से पढ़ेंगे। फिर से एक बार विशेष रूप से ध्यान देंगे। कोई डाउट हो तो पूछना, एक बार मैं देख लूं किसी दोस्त ने कुछ पूछा हो तो। नाउ लुक एट द स्क्रीन। अर्थ है ना, पोल 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, एंड दिस इज 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, सभी को पता है। थोड़ी टिल्ट एंगल भी है, पृथ्वी का जो टिल्ट एंगल है वो कितना है, 23.5 डिग्री है ना। अब ये जो बीच में से लाइन है ये जाएगी आपकी इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। अब जैसे कि स्टडी के अनुसार मैंने आपको बताया, पोल पे हमेशा आपकी बर्फ जमी होगी आर्कटिक और अंटार्कटिक में, स्नो यहाँ भी होगी और स्नो यहाँ भी होगी। तो ये समझो ये आपका घर का फ्रिज है, मतलब कि फ्रिज है जो नॉर्मल सा होता है, इसके ऊपर अपर वाले एरिया में आपका फ्रीजर होता है, ऐसे समझो उसको। अब जो यहाँ पे फ्रीजर है
है ना। तो यहाँ से जब पानी निकल के आएगा, जब आप इसको फ्रिज को वो करते हो, क्या बोलते हैं, रिलीज करते हो कि इसका बर्फ मेल्ट हो जाए, तो जो पानी लग के आएगा वो कैसा होगा, वो कोल्ड ही तो होगा। ठीक इसी तरीके से आजकल नए वाले मॉडल में फ्रीजर नीचे भी आ रहा है, जब आप इसको मेल्ट करोगे तो ये जो पानी एकत्र होगा वो कैसा होगा, वो भी कोल्ड होगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है, अरे यार ये कैसे साफ हो गया, अच्छा बता भाई। अब सही है, पोल पोल इक्वेटर नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहां से जितनी भी पानी नीचे के साइड आएगा इक्वेटर की साइड को, पोल से इक्वेटर की साइड को आएगा, तो यह कहलाएगा आपका कोल्ड ओशियन करंट। पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा तो क्या कहलाएगा, कोल्ड ओशियन करंट। अब जो सनलाइट आपकी इक्वेटर पे प्रॉपर मात्रा में पड़ रही है, स्लैंटिंग भी है और वाइड भी है, तो यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और जब ये पोल की साइड जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा आपका, एक सेकंड, गर्म जलधारा कहलाएगी। बेसिकली क्या कहलाएगी ये, जब ये इक्वेटर से पोल की साइड जाएगा तो ये कहलाएगी आपकी वार्म ओशन करंट। अब ये ठीक इस तरीके से ऊपर जाएगी तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी, वार्म ओशन करंट। अब दोस्तों टॉपिक में कुछ खास बचा नहीं है, स्टेप वन लिख लेंगे, व्हेन ए वाटर बॉडी मूव्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो ये होगा आपका कोल्ड ओशन करंट। पी टू ई है तो सी है, और इक्वेटर टू पोल है, इक्वेटर टू पोल साइड इट इज वार्म ओशन करंट। यही आपको दो चीजें याद रखनी है जिसकी वजह से आपका टॉपिक क्लियर होने वाला है दोस्तों। किधर गया ये रहा, ठीक से देखेंगे, ये आपका ग्लोब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो ऊपर वाला एरिया है यानी कि 0 डिग्री है यहाँ पे, एक सेकंड जी, ये देखो थोड़ा मैप में इन्होंने गलती करी है, 0 डिग्री आप ऑलमोस्ट आपका यहाँ पड़ता है, इन्होंने यहाँ पे कर रखा है मैप वालों ने, ये है। अब जब ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, इसकी मैं लाइन खींच देता हूँ, डॉटेड लाइन है, कुछ ऐसी जगह नहीं करेंगे जहां पे कुछ लिखा हुआ छिप जाए, ताकि लिखा हुआ छिप गया तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जो अपर एरिया है वो कहलाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा वाला, और ये जो है 66.5 डिग्री इधर वाला ये आर्कटिक, ठीक है ना, और नीचे वाला अंटार्कटिक, ये तो सभी को पता होगा। और जो ग्लोब से नीचे का एरिया होगा सर्दन में, ये कहलाएगा आपको सर्दन हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब आप इसको ठीक से समझेंगे चीजों को, देखो ओशन जितने भी हमारे पास हैं वो है पैसिफिक सबसे बड़ा, तो पैसिफिक ओशन में दो टाइप की आपकी जलधाराएं मिलेंगी, वार्म होगी और कोल्ड होगी। मैं दोनों मिक्स पढ़ाऊंगा, और जब मैं आपसे टेक्स्ट लूंगा तो मैं दोनों पूछूंगा आपसे कि कौन सी कोल्ड है, कौन सी वार्म है, और कौन सी कोस्टल लाइन पे निकलती है। पैसिफिक की हो गई, फिर आपकी अटलांटिक, अटलांटिक ओशन की सेम होगी, कोई वार्म होगी कोई कोल्ड होगी। फिर इंडियन ओशन, इसकी भी आपकी दो मिलेंगी, कोई वार्म होगी कोई कोल्ड होगी। लेकिन इनका पता कैसे करेंगे हम, पता करने का मतलब यही है, अगर इक्वेटर की साइड से ऊपर को कोई जलधारा जारी है तो वो वार्म होगी, इक्वेटर की साइड से पोल की साइड जारी है तो वो वार्म है, और पोल से इक्वेटर की साइड आ रही है तो वो कोल्ड है।
पोल से इक्वेटर की साइड आ रही है तो वो कैसी है, कोल्ड है। देखो दो ही है, दो पोल है तो दो टाइप की ना होके वो चार टाइप की बनेगी ना, एक तो पोल की तरफ से चलने वाली और एक पोल की ओर चलने वाली। पोल की ओर चल रही है तो कोल्ड है, पोल से चल रही है तो कोल्ड है, पोल की तरफ से आ रही है तो कोल्ड है, और पोल की तरफ बढ़ रही है तो वो वार्म है। तो बढ़ेगी कहाँ से, इक्वेटोरियल रीजन से, इक्वेटर से, इक्वेटोरियल काउंटर से, सब ट्रॉपिकल से, सब इक्वेटर से। तो जितने जितना आप इसको टॉपिक को आप पढ़ते जाओगे वही इतना आपको समझ में आता जाएगा। रुक जाओ, इसको सबको साफ कर देता हूँ। अगर मैं एक उस पे मैप पे दिखाऊं आपको तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, एक मैप पे समझ लो ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब वैसे तो मैं हर मैप में बोलता हूँ, हर उसमें आपको कि ऑक्सफोर्ड का मैप लेके बैठा करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि मतलब ही है, पता नहीं कौन मतलब ही होते हैं। चलो दोस्तों पैसिफिक रीजन पर करते हैं। पहले आप सभी को पता है ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका इंडियन ओशन है, फिर इस साइड से इस टाइप का ये आपका पैसिफिक है, और ये आपका जो रीजन है वो अटलांटिक है। तो कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पहले बात करते हैं हम रीजन की जो आपका पैसिफिक है। पैसिफिक में जितने भी नाम होंगे सबके सब बता दूंगा आपको मैं कौन कौन से हैं, या अटलांटिक में है या नॉर्थ अटलांटिक, जो एग्जाम में हमेशा आई है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखेंगे आप गल्फ स्ट्रीम, यहां लिख देता हूं मैं गल्फ। पहले बेसिक सा पढ़ लो जो एग्जाम में आती है, कई बार आ चुकी है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपका जो फ्लो है, देखो मैं तीन चीजें लिखूंगा, एक तो मैं लिख देता हूं नाम गल्फ स्ट्रीम, और जो इसकी लोकेशन है वो देखो आपकी कहां पे, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में है। ये जो यहां से यहां तक का ओशन है आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो फॉर्मेशन है पूरी, ये आपकी कौन सी है, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक, और नीचे वाली कौन सी है, ये साउथ अटलांटिक। तो किसी चीज का कोई कंफ्यूजन दिमाग में रखना नहीं, नॉर्थ अटलांटिक पता। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्चा नया नया जुड़ा हो तो शायद उसको पता ना हो, इसलिए मैं इजिली पढ़ा देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक दो बार इन्होंने प्रीलिम्स दे रखा है तो वो उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, पर उनको बढ़ाना चाहिए अपनी नॉलेज को। नॉर्थ अटलांटिक, अब जो नॉर्थ अटलांटिक का जो फ्लोएशन है आप मैप में भी देखो ठीक से और वैसे भी देखो, ये देखो यहाँ से ये मूवमेंट जो है इसका ऊपर की ओर है एरो, और ये कनाडा और यूएस एरिया है, ये आपका यूएस वाला एरिया है यूएस से, और ये आपका कनाडा है ना। तो कनाडा और यूएस की जो बाउंड्री लाइन है कोस्टल लाइन, उसके सहारे ये ऊपर की ओर चढ़ती है। अब देखो ऐसे करके ये नीचे आपका इक्वेटर है जीरो पे, और यहां से ये ऊपर जा रही है, तो कैसी होगी ये होगी वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। अब देखो आपको पता है कि कनाडा में गेहूं की जो खेती है बहुत अच्छे प्रकार से होती है इस वाले एरिया में, तो यहाँ से जितने भी ये नॉर्थ पोल के एरिया है ना, कुछ 66 डिग्री हाफ पे ये 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़े से ठंडे एरिया है, तो ये जो जोन है यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो ये जो गर्म हवा है या जो गर्म जलधारा है यहाँ पे ये बर्फ को पिघला देगी, मेल्ट टू आइस एंड डेवलप एग्रोलैंड, एग्रीकल्चर लैंड बोल सकते हैं आप उसको, एग्रोलैंड। तो यहाँ पे जो है ये रिच फील्ड बनाएंगे किसके, वीट प्रोडक्शन के, क्योंकि इस एरिया को कहा जाता है बास्केट ऑफ द ब्रेड, यानी कि बास्केट ऑफ द ब्रेड यानी कि अन्न की डलिया। प्रोडक्शन यहाँ पे गेहूं का बहुत अच्छा है कनाडा वाले एरिया में, यूएस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये लैंड मार्क्स हैं, लैंड फील्ड है, ये
मॉइस्चर वहां का बनाए रखती है और वहां की जो नमी होगी उसको सोख लेगी और जो बर्फ को है उसको पिघला देती है। तो कैसी है ये वार्म मोशन करंट स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक एंड मूव अप टू लेब्राडोर के साइड को। अब ठीक से आप इसको देखेंगे, एक यहाँ पे दूसरे पेन से यूज कर लेता हूं। देखो यहाँ पे ये आपका ऊपर का नॉर्थ पोल है ना, और ये आपका ग्रीनलैंड का एरिया है, और ग्रीनलैंड जो है आपका क्षेत्र जो है वो कनाडा का है। अब दोस्तों नॉर्थ पोल की साइड से एक जलधारा आ रही है, इस साइड से देखेंगे ये ग्रीनलैंड वाली, तो ये कहलाएगी आपकी लेब्राडोर। अब लेब्राडोर जो है आपका ये ऊपर से आ रही है ना, देखो ये पोल की साइड का जो मूवमेंट है नीचे की ओर, मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो जो आपको दिख रहा है मूवमेंट ही ऊपर की ओर से नीचे की ओर, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। अब देखो ठीक से कॉन्सेप्ट समझना, ऊपर से आ रही है कोल्ड, नीचे से गई इक्वेटर से वार्म। अब जब आप अपने बाथरूम में नहाते हो गर्म पानी से, आपने पहले गर्म पानी लिया फिर उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया और नहाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा बाथरूम में फोग जमना शुरू हो जाएगा, धुंध छा जाएगी, यही होता है ना। तो ठीक वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, क्योंकि जो समुद्री जलधारा है बहुत बड़े फॉर्मेशन में, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, तो ये जो आपके कनाडा के तट है आपके यहाँ पे, ये यहाँ पे फोग का निर्माण करेंगे और उसको बोल देंगे ग्रेट बैंक। तो दोस्तों ये डेवलप करेंगे आपका फिशरी लैंड, फिशरी लैंड का मतलब है मछली पकड़ने के स्थान, विश्व में बहुत प्रसिद्ध है ये मछली पकड़ने के स्थान। अब इसके अलावा ठीक से देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं साफ कर देता हूँ आपकी समझ में आ गया हुआ तो, क्योंकि यहीं पे साफ करना यहीं पे लिखना है ताकि आपकी फॉर्मेशन और जो प्रैक्टिस है साथ साथ होती रहे, ऑक्सफोर्ड का मैप साथ लेके बैठा करो, सब साफ करना पड़ता है, कुछ एक ऐसा सा बटन नहीं है जिसमें इरेज ऑल हो जाए। देखो ठीक से ये जो फॉर्मेशन है, यहां से कोई जलधारा चली, कहां से चल रही है देखो, इसकी जो मूवमेंट है नीचे से ऊपर को है ना, तो उसका नाम है अलास्का, और अलास्का जो पार्ट है वो किसका है यूनाइटेड स्टेट का, ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसी का दूसरा जो स्टेट है वो ये रफ। तो दोस्तों जो अलास्का था पहले ये रशिया के पास था, रशिया ने सोल्ड आउट कर दिया आपको यूएस को, और यूएस के पास अब ये पूरा प्रभुत्व है इसका। तो दोस्तों ये आपका इक्वेटर की साइड से पोल की साइड को जा रही है, तो ये कैसी हुई वार्म ओशन करंट। अब आपने सुना होगा कि अलास्का में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये जो अलास्का की रेंज है, ये अलास्का की जो ये ओशन करंट है, गर्म होने के साथ साथ इसका जो स्नो है वो थोड़ा सा हटा देती है, उसको मेल्ट कर देती है, तो ऑलमोस्ट तो नहीं लगभग थोड़ा बहुत यहाँ की जो क्लाइमेट है वो रहने लायक बन जाती है। और जो आजकल अलास्का में है, देखो यहाँ पे जो ये न्यूफाउंडलैंड बन रहा है तो वो तो मछली पकड़ने की जगह है, और यहाँ पे खेती डेवलप हो रही है कनाडा के क्षेत्र में, और ठीक इससे ऊपर जाएंगे क्योंकि 60 डिग्री के नीचे है लैटिट्यूड के, अब ठीक इससे ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे इतनी बर्फ है कि यहाँ पे खेती जो है, जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम है, फ्यू है। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपकी गोल्ड माइन, गोल्ड माइन है, आयरन ओर है ना, तो खनिज टाइप की जो विशेषता है सी रहेगी बहुत ज्यादा है। तो मैंने दो चीज बताई आपको अभी तक, एक तो गल्फ स्ट्रीम हो गई जो आपकी गर्म मोशन करंट है, दूसरी होगी आपकी अलास्का होगी 1 और 2, और तीसरी बताई जा रहा हूं आपको लेब्राडोर, लेब्राडोर कैसी है ठंडी पानी की जलधारा है। अब ये जो है दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, तीन तो बहुत मुख्यतः थी जो मैंने आपको बता दी है, चौथी बताने वाला हूं आपको नॉर्वेन और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट
माय डियर फ्रेंड, ये जो एरिया है इसको ठीक से देखेंगे आप, जब यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम कनाडा की तरफ से बढ़ती हुई आगे यूरोप की तरफ जाती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो जब ये ऊपर चली जाएगी ये कहलाएगी नॉर्वेन, और जब ये नीचे टकराएगी तो ये कहलाएगी आपकी कैनारी। अब देखो प्रोसीजर वही है, ये फिर से ऊपर जा रही है यानी कि नीचे से इक्वेटर के साइड से जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गई ऊपर जा रही है नॉर्वे वाली, तो ये होगी आपकी वार्म ओशन करंट मूवमेंट, है ना, कोई पानी की जलधारा मोटी सी चली आगे लैंड बना यूरोप, तो जब उसके तट से टकराई तो एक कुछ इधर कट गई कुछ नीचे की तरफ चली गई, जो ऊपर गई है टकरा के वो तो ठंडी रहेगी गर्म रहेगी क्योंकि इक्वेटर के साइड से जा रही है नीचे की साइड से जा रही है, इक्वेटर के साइड से गई है पोल की तरफ को तो वो आपकी गर्म जलधारा हो गई। अब जिसका मूवमेंट आपका नीचे की तरफ हुआ टकरा के नीचे की तरफ हो रहा है तो एक तरीके से वो ऊपर से आ रही है ना पोल से होती हुई तो आपकी ठंडी जलधारा होगी। तो ठीक इसी तरीके से देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है उसका जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, या ना, तो ये कहला रही है आपकी नॉर्वेन, नॉर्वे कंट्री से है, और नॉर्वेन कैसी है, वार्म ओशन करंट है क्योंकि भैया इसका जो मूवमेंट है वो इक्वेटर से पोल की साइड है, इक्वेटर नीचे है पोल ऊपर है। अब जो दूसरी है वो आपकी आ रही है किनारी, देखो यहाँ पे ये दूसरी इधर घूम गई तो इसको बोलेंगे हम किनारी, और जो किनारी है वो पोल से इक्वेटर की साइड है तो ये पोल से इक्वेटर की साइड आ रही है तो ये कैसी होगी, कोल्ड ओशन करंट यानी कि ठंडी समुद्री जलधारा। अब यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे ये जो मैप है ये अफ्रीका का है ना, इस टाइप से, तो ये जो एरिया है सहारा मरुस्थल का है, कहते हैं कि आज से लगभग तीन से पांच लाख साल पहले जो सहारा था वो ग्रीनरी से भरा हुआ था, डेवलप था, मानव सभ्यताएं थी। तो क्या है, ऐसा क्या हुआ जो इसमें भैया एकदम से रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखेंगे जब ये किनारी की जलधारा हो सकता है संभवतः ये ऊपर ही जाती हो पूरी की पूरी, तो जैसे हमने वो पढ़ा था ना पेंजिया थ्योरी जब ये टूटना शुरू हुआ था, हो सकता है दोस्तों उसके बाद ये जो ये लैंड इस साइड से जब टूट के इधर शिफ्ट हो रहा था, ये लैंड जब इधर से इधर शिफ्ट हो रहा था तो दोस्तों इसमें जो संकुचन हुआ थोड़ा सा इसकी देखेंगे लोकेशन देखेंगे ऐसे करके तो ये ज्यादा अंदर हो गया है और ये थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ है, जो बाहर को उभरा हुआ है उसकी वजह से टकरा के ये नीचे की ओर मुड़ गई हो तो इसमें ठंडापन आ गया। जब ठंडापन इसमें यानी कि कोल्डनेस आई है तो जो ये सहारा के आसपास की लोकेशन है जितने भी देश रहे हैं, ये मोरक्को है, ये मिस्र तक का एरिया कवर करूंगा मैं इसमें बेसिकली, तो इस ठंडी जलधारा ने इसका मॉइस्चर सोख लिया इस एरिया का। जब मॉइस्चर सोख लिया तो भैया जो यहाँ पे बरसात होगी तभी तो ग्रीनरी है, तभी तो हरा भरा है। तो जब इस एरिया का मॉइस्चर सोख लिया तो इतने ये जो बरसात थी वो आगे की तरफ शिफ्ट कर दी इस वाले एरिया में और थोड़ा सा अंदर वाले एरिया में, अंदर तक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि चार्ड वाले एरिया लीबिया पड़ेंगे वहां पे भी बहुत गर्मी है, बरसा ना के बराबर है, तो या तो ये इधर कोस्टल लाइन पे आ गए या फिर समुद्र के अंदर ही बरसात शुरू कर दी, इसके पैरेलल तो यहाँ पे आएंगे ना ऐसे करके। तो दोस्तों जब ये प्रोसीजर आपका थाउजेंड्स ईयर्स मिलियंस ईयर्स चलता रहा तो धीरे धीरे जो सहारा मरुस्थल है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये थ्योरी मैंने पढ़ी थी एक इंटरनेशनल बुक में, संभवतः पूरे दार्शनिक जो हैं ज्योग्राफी के वो इसे संबंध नहीं रखते होंगे क्योंकि हर एक की थ्योरी अलग अलग होती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो क्या बोलते हैं मोजाम्बिक है, वेनेजुएला है, पेरू है, ये सब जलधारें आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जैसे कि ओयाशिवो है, क्योरोशिवो है, इसकी चर्चा करेंगे लेकिन अगली क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे जो एक मैंने बताया था आपको कल क्लास में पेरू चिली देश है तो इसके जो ये जो कोना है वेस्ट साइड का यहाँ पे अल नीनो बनता है ना। अल नीनो को डेवलप होने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं और इसका जो मूवमेंट होगा देखो इस टाइप से, और ये घूमते हुए ये आपका साउथ इंडियन सी में पहुंचता है और फिर ये ऑस्ट्रेलिया के तरफ से घुमा के ये इंडिया वाले जोन में ट्रॉपिकल जोन में जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है मानसून भारत में कमजोर हो जाता है। मानसून गेट वीकर इन इंडिया ड्यू टू अल नीनो एंड प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर रिड्यूस्ड दैट ईयर एंड इन्फ्लेशन रेट
मे बी हाय। दोस्तों आज के लिए क्या बोलते हैं इसको हम, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों मेरा नाम है कृपा शंकर, सभी को पता है, और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए क्या है, टाइप कीजिए सब्सक्राइब करते वक्त के आर आई बी ए न्यूमेरिक में बंद, जैसे कि मैंने कोड यहाँ पे अंकित किया है ना, तो आपको 10% का डिस्काउंट एडिशनल देगा अनअकैडमी। एंड एज वी नो अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो आपको आपके घर से ही अनलिमिटेड एक्सेस देके आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सुचारू रूप से कराता है, जिसमें आपको मिलते हैं एक टॉप एजुकेटर्स जो आपको समय समय पर गाइडेंस करते हैं कोर्स रिगार्डिंग, और मैं हूँ ज्योग्राफी के लिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए कृपा शंकर के नाम से, और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक शेयर एंड बेल आइकन, ताकि जैसी मेरी क्लास हो बेल आइकन पे आप प्रेस करेंगे, जो आपको साइड में बना ये दिख रहा होगा, और जहाँ पे थंब का इंप्रेशन आ रहा है मेरी फोटो उसके साइड में आ रहा है, तो प्रेस कर देना। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों आज के लिए। और अभी 10:30 से मेरा क्लास होगा यू अनअकैडमी के ऐप पर, उस पर जुड़ना, जो क्या बोलते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा आज।